हेलो फ्रेंड, मैं प्रिंस मौर्य आ रहा हूँ मोटर्स। और ये चार्लेट इंजॉय है, इसको क्लच पैडल अंदर चले जा रहा, प्रॉब्लम है। तो अभी हम चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। चार्लेट इंजॉय डीजल है, इसमें क्लच पैडल अंदर चले जा रहा और क्लच काम नहीं कर रहा। अभी हम चेक करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको इसका क्लच पैडल दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो इसका क्लच पैडल है, ये पूरा अंदर चले जा रहा, रिटर्न नहीं आ रहा पैडल। आप देख सकते हैं किधर छोड़ दिए उधर रुक जा रहा है, जिधर छोड़ दिए उधर रुक जा रहा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है हम चेक करेंगे, चेक करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने प्रॉब्लम इसका चेक कर लिया है। प्रॉब्लम इसका यह है कि इसका क्लच सिलेंडर गियरबॉक्स के अंदर रिलीज बेयरिंग रहता है, रिलीज बेयरिंग इसका खराब हो गया है। खराब हो जाने से ब्रेक ऑयल पूरा क्लच ऑयल लीक हो जा रहा, इसी वजह से पैडल का प्रॉब्लम आ रहा। तो अभी हम इसको गियरबॉक्स खोलने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी मैं गियरबॉक्स खोल के दिखाते हैं इसको आपको। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने गियरबॉक्स फाइनल इसका निकाल लिया और रिलीज बेयरिंग भी हमने खोल दिया है। तो रिलीज बेयरिंग तो पूरा इसका पूरा टूट गया है, देख सकते हैं आप। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसका रिलीज बेयरिंग पूरा ख़राब हो जाने से पूरा क्लच पैडल अंदर चले जा रहा, क्लच काम नहीं कर रहा है। और अभी मैं इसको क्लच प्लेट खोल के क्लच कंडीशन आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने क्लच प्लेट खोल दिया है और फ्लाईव्हील कंडीशन अच्छा है। तो फ्लाईव्हील को थोड़ा साफ़ करके हम लगा देंगे, क्लच कंडीशन आपको दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट का लाइफ तो अच्छा है लेकिन पूरा ऑयल पकड़ लिया है, इसको ऑयल में डूब गया है। और ये इसका प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट देख सकते हैं आप, पूरा ऑयल ऑयल हो गया है, देख सकते हैं इसको सिकट हो गया है। तो इसको अभी हम क्लच प्लेट में भी अभी डाल दिए तो क्लच बाद में स्लिप हो जाएगा, पिकअप नहीं आएगा गाड़ी में। तो हम इसका क्लच और रिलीज बेयरिंग दोनों डालेंगे, क्लच सेट रिलीज बेयरिंग डाल देंगे दोनों सेट, क्लच अच्छा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये इसका गियरबॉक्स है, अभी हम क्लीनिंग वगैरह करके रखते हैं और नया क्लच ला के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने क्लच नया ला लिया है, जीएम का ओरिजिनल है। ये क्लच प्लेट है, देख सकते हैं आप, क्लच प्लेट है इसका। और ये इसका प्रेशर प्लेट है, ये भी ओरिजिनल जीएम का है, देख सकते हैं आप, दोनों क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट दोनों जीएम का है। और रिलीज बेयरिंग भी हमने ओरिजिनल ही लेके आया है, देख सकते हैं। तो अभी हम फिटिंग करेंगे इसको, हमारे कस्टमर हैं गाड़ी वाले, एक बार कैमरा उधर करो जी। हाय फ्रेंड्स, क्लच प्लेट लो, रिलीज बेयरिंग, प्रेशर प्लेट लेस करो। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं गियरबॉक्स पूरा रेडी है और हमने क्लच भी लगा दिया है, गियरबॉक्स पूरा रेडी है, रिलीज बेयरिंग का सो हमने सेट कर दिया है और क्लच बेल्ट भी हमने फिटिंग कर दिया है। और अभी हम गियरबॉक्स चढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम गियरबॉक्स कंप्लीट कर देंगे टोटल। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने गियरबॉक्स पूरा लगा दिया है और पूरा कंप्लीट कर दिया है। गियर केबल जो है सही पोजीशन पे लगाना चाहिए, नहीं तो गियर हार्ड गिरता है, आप देख सकते हैं।
हमने ये वाला केबल जैसा रहना चाहिए वैसा लगाया है, परफेक्ट किधर से जाना चाहिए उधर से लगाया है, और दोनों केबल भी क्लिप वगैरह सब परफेक्ट फिटिंग करना चाहिए, नहीं तो गियर हार्ड गिरता है। आप देख सकते हैं हमने नीचे वाला केबल भी अच्छे से लगा दिया है, गियर केबल है ये, और इसके ब्रैकेट्स वगैरह क्लिप वगैरह सब सही से लगा दिए तो अच्छा रहता है, प्रॉब्लम नहीं आता है, गियर फ्री रहता है। तो अभी हम फटाफट पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं गाड़ी पूरा कंप्लीट हो गया है, और अभी हम इसको स्टार्ट करके गियर वगैरह चेक कर लेंगे। टोटल हमने ऊपर से नीचे से टोटल कंप्लीट कर लिया है, और अभी हम इसका गियर चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको। और गियर वगैरह सब गिर रहा है, परफेक्ट है एकदम। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।